के लिए नहीं है,
चले
بہترین سے ہو رہی ہے. یسوع کے کلام میں بلا کی تاثیر تھی. یسوع کے بلاوے میں ایک ایسی روحانیت اور ایسی مقناطیسی کشش تھی. خدا پاک روح کی طاقت اور قوت تھی کہ یسوع نے جس کو بلایا وہ یسوع کا ہو گیا. یسوع نے جس پر نظر کی وہ یسوع کا ہو گیا. یسوع نے جس پر رحم کیا وہ یسوع کا ہو گیا. اور وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. اور یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. آج کلام مقدس میں شاگردیت, یسوع کے شاگرد ہونے, ڈسائپلشپ, یسوع کا رسول ہونے, شاگرد ہونے, یسوع کی پیروی کرنے کا مضمون ہے. اور یہ پیغام ہے, یہ ہدایت ہے کہ کون یسوع کا شاگرد ہو سکتا ہے. شاگردیت
पीछे चलने के लिए तैयार। शौक देखे उनका, शौक देखे, कुर्बानी देखे कि अपने बाप को छोड़कर, अपने जानों को छोड़कर, अपने पेशे को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। ये है शौक खुदा के कलाम को सुनने का। एक बार यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में आए थे और मरियम जो थी वो यीशु के कदमों पर बैठकर उसका कलाम सुनती थी। शौक था, जज्बा, शौक, इरादा दिल में यीशु को सुनने के लिए तड़प और बेकरारी, कलाम के लिए बेकरार होना और तड़प महसूस करना। और अच्छा संगीत यीशु का वही हो सकता है, अच्छा मोमेंट यीशु का वही हो सकता है और ईमानदार वही हो सकता है जो शौक से गिरजा घर आता है और खुदा का कलाम सुनता है, जिसके दिल में शौक पैदा होता है, मजबूरी से नहीं, शौक से। और जो शौक से गिरजा घर में आता है खुदा उसको बरकत देता है, वो खुदा की शागिर्दियत में आता है और वो खुदा का शागिर्द बनता है। आज हमने देखा कि कैसे शौक से, इसी कफरनहूम शहर का रहने वाला मत्ती मुहस्सल भी था, मसूल लेने वाला, और वो मसूल की चौकी पर बैठा था और यीशु ने उससे कहा कि ऐ मत्ती तू भी मेरे पीछे हो ले, मसूल की चौकी छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, ये तो माहीगीर थे, माहीगीरियत को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए। वो अपना सारा कारोबार, बिजनेस और सब छोड़कर यीशु के पीछे, मत्ती मुहस्सल यीशु को जो है उसकी पैरवी करने के लिए तैयार हो गया। शौक था उनके दिल में यीशु की पैरवी करने का, यीशु के पीछे चलने का। यीशु ने कहा मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीरियत से क्या मुराद है? यीशु से कहते हैं कि काम काज करना भी अच्छी बात है, लेकिन काम काज करते करते तुम अपनी जिंदगी को और माशरे की जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। इंसानों की सोच को बदलो, आदमगीरियत, इंसानों की सोच को बदलो, मन की सोच को बदल दो, मुस्बत सोच में, बद अखलाकी को बदल दो, इखलाक की सोच में, लड़ाई झगड़ों की सोच को बदल दो, अपना सुलह की सोच में। ये आदमगीरियत है और इसी आदमगीरियत के लिए खुदा ने सोच कहता है मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। इंसानों पर तवज्जो दो, इंसानों से दूर मत हो, इंसानों के दरमियान को छोड़े, जुदाइयां मत डालो। और अगर कोई इंसानों और माशरों में, खानदानों में बछोड़े, दरारें, जुदाइयां डालेगा तो वो कभी भी खुदा की बादशाही कायम नहीं कर सकता। आज जिले मुकदस में जब यीशु मसीह ने इन शागिर्दों को बुलाया तो उससे पहले कहा कि आसमान की बादशाही क्या है, नजदीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो, बस इस तौबा करने का क्या मतलब है? तौबा करने का मतलब है कलाम मुकद्दस की रूह से कि तौबा वो है कि जब हम अपनी बुरी रवश को छोड़कर तर्क करके खुदा की जानब वापस लौट आते। तौबा का मतलब ही वापस लौटना है, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आज यही पैगाम
سے اپنی بدکرداری سے اپنی کمزوریوں سے گناہوں سے اور سب سے بڑھ کر اپنے حسد سے اور اپنی ضد سے اور اپنے غصے سے حسد سے نفرت سے اور ضد سے یہ وہ ایسی بیماریاں ہیں جو خاندانوں کے اندر دراڑیں ڈال دیتی ہیں خاندانوں اور گھرانوں کو کمزور کر دیتی ہیں نفرت غصہ ضد حد درمی اور یہ وہ ایسی بیماریاں ہیں اور ایسی بدیاں ہیں جو خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں اس لیے یسوع مسیح بار بار حلیمی فروغنی اور عاجزی کا پیغام دیتا ہے آئے آج خدا سے دعا کریں کہ ہم سب یسوع کی شاگردیت میں شامل ہوں گے اور یسوع کی جانب زندگیوں کا حصہ بنائیں گے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین